अस्सलाम वालेकुम। कुछ स्टूडेंट्स को कैम स्कैनर ऐप के ज़रिए पीडीएफ बनाने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल जो है वो गाइडेंस मिलेगी कि आपने कैम स्कैनर ऐप को किस तरह से यूज़ करना है और पीडीएफ बनाकर किस तरह से आपने एकेडमी के साथ शेयर करनी है या उसको अपने मोबाइल में किस तरह से सेव करना है। सबसे पहले आपने करना क्या है कि अपने मोबाइल में कैम स्कैनर ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद ये कैमरे के बटन पर जो है आपने क्लिक कर लेना है। अब आपके पास यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, सिंगल है, बैच है। अगर आपने एक पिक्चर शेयर करनी है तो आप सिंगल पर करेंगे, अगर आपने ज़्यादा तस्वीरें जो है वो पीडीएफ बनानी है तो आप बैच पर क्लिक करेंगे। तो मैं बैच पर क्लिक करता हूँ और पहली तस्वीर को मैंने कैप्चर किया। अब उसके बाद नेक्स्ट मैंने पेज को चेंज किया और नेक्स्ट पिक्चर जो है उसको मैं कैप्चर करूँगा। इसी तरह बिल्कुल जितनी भी आपकी तस्वीर होंगी उनको आप एक ही बैच में कंप्लीट करेंगे एक फ़ाइल में। मैं अभी डेमो के तौर पर 3 तस्वीरें ले रहा हूं और इसके बाद मैंने ये फ़ोटोज़ पर क्लिक किया और अब ये देख सकते हैं आपके पिक्चर्स जो है वो कैप्चर हो चुकी हैं। अब आपने एक चीज़ को इंश्योर कर लेना है कि आपकी कोई फ़ाइल उल्टी सीधी तो नहीं, अगर है तो आपने उसको रोटेट कर लेना है, ठीक है। अगर भी उल्टी सीधी हो तो आपने उसे सीधा कर लेना है। उसके बाद ये फ़िल्टर्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिनल होता है क्योंकि मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ इसलिए मेरा नो शेडो था। तो आपने देख लेना कि आपकी फ़ाइल के लिहाज से कौन सा फ़िल्टर जो है वो सूटेबल है, ठीक है। और उसके बाद आपने फ़ाइल को प्रॉपर एक नेम देना है। मैं इसे डेमो का नाम दे रहा हूँ, आप अपना नाम और जो भी फ़ाइल का नेम है वो रख के गुड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये जब ये प्रोसेस हो जाएगी तो फिर हम पीडीएफ के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने पीडीएफ पे क्लिक किया तो ये हमारी फ़ाइल जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हम शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे और सेव टू लोकल पर करेंगे तो इसके बाद ये जो हमारी फ़ाइल है ये हमारे पास सेव हो जाएगी। या इससे आप शेयर वाया व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सिंपल आपने व्हाट्सएप पर क्लिक करना है तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी कि आपने इसे कहाँ पर करना है, जी मेल, व्हाट्सएप, सेम इसी तरह से आप किसी भी ऐप में इसे कर सकते हैं।